हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शहर इख्तदार में माइनस नवाज की सरगोशियां, नून लीग फ्रंट फुट पर। नवाज शरीफ ने माइनस वन फॉर्मूले को अवाम के कोर्ट में डाल दिया, कहा माइनस प्लस का फैसला अवाम करते हैं, फर्द वाहिद नहीं। माइनस वन या प्लस वन जो है, ये माइनस और प्लस जो है ना, ये अवाम के फैसले होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल के फैसले नहीं होते हैं। अपोजिशन लीडर का साबिक वजीर आजम को आस्तीन के सांपों से खबरदार रहने का मशवरा, कहा कि जेल जाने का मशवरा देने वाले नवाज शरीफ के दोस्त नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, बोले कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक नहीं, तमाम इदारों को अपनी हद में रहकर काम करना चाहिए। टेक्नोक्रेट नहीं है, इस मुल्क का हाल सिर्फ जमहूरियत में है। टेक्नोक्रेट के तजुर्बे आप 40 साल तो कर चुके हैं, क्या किया टेक्नोक्रेट ने सवाई तबाही के। नवाज शरीफ सजा से बचने के लिए एनआरओ करना चाहते हैं, इमरान खान का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ को कौम के नुकसान का कोई एहसास नहीं, वो सिर्फ बैरून मुल्क अपने 300 अरब रुपए मुंजमद होने से बचाना चाहते हैं। नवाज शरीफ को सजा हुई तो शदीद अवामी रद्दे अमल होगा, वजीर कानून पंजाब ने खबरदार कर दिया। पार्टी का आदत तब्दील हुई तो लीडर का फैसला पार्टी ही करेगी, शेख रशीद के पास 70 क्या 7 आदमी भी नहीं। ये जो सिविलियन बालादस्ती और जो वोट का तकद्दस है और ये जो एस्टेब्लिशमेंट की अजारादारी का बुत है, इसके ताबूत में आखिरी कील होगा अगर मियां नवाज शरीफ को सजा या उनको गिरफ्तार किया गया। पाक सरजमीन पार्टी शहर कायद की बदलती सियासत की ड्राई क्लीनर बन गई, मुकदमात में घिरे एमक्यूएम रहनुमा अरशद वोरा पीएसपी में जाते ही गंगा नहा गए, मुकदमात से क्लीन चिट मिलने लगी। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के अबूरी चालान से अरशद वोरा का नाम निकाल दिया। पीएसपी एमक्यूएम का फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, 2018 तक मैच्योर होने के बाद सूद समेत हमें वापस मिलेगा, मेयर कराची का रद्द अमल। हमने अकाउंट खोल लिया है सेफ डिपॉजिट का, जो 10 साल बाद या होता है ना डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल बाद मैच्योर होता है, ये हम 18 के बाद मैच्योर कराएंगे इंशाल्लाह 18 पे। फारूक सत्तार की अनीस कायम खानी से अरशद वोरा का ख्याल रखने की अपील, कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की सरगर्मियां कब बहाल होंगी। एजेंडा पूरा होने दो मेम्बरान। नारों की गूंज, चोर चोर की सदाएं, शोर शराबा और हुल्लड़बाजी। एमक्यूएम की बड़ी पतंग कटने के बाद होने वाला सिटी काउंसिल कराची का पहला इजलास हंगामा राई की नजर हो गया, ऑपोजिशन का मेयर की तब्दीली का मुतालबा। मेयर साहब जो है हिसाब देना नहीं चाहते, वो किसी बात का जवाब देना नहीं चाहते, वो समझते हैं मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। पूरी तौर पर मेयर साहब इजलास खत्म करके भाग गए क्योंकि वो गुनाहगार है और वो सच्चे नहीं है, इसलिए वो पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। मेयर कराची के खिलाफ ऐवान के बाहर भी एहतजाज, बल्दिया उज्मा के दफ्तर को ताला लगाना पड़ा। केएमसी बिल्डिंग के अतराफ नामालूम अफराद का एक्शन, वसीम अख्तर के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। फिरदौस शमीम नकवी का फारूक सत्तार को वसीम अख्तर पर भी नजर रखने का मशवरा, कि जरा वसीम अख्तर साहब से भी खबरदार रहे, उनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं, लगता है कहीं वो भी पीएसपी में ना चले जाएं अपने तहफ्फुज़ के लिए। एमक्यूएम का नाम नहीं रहेगा, नई पार्टी बनाई जाएगी जिसका सरबराह होगा
होगा ये जरूर ज़हन में रख लेना, कोई भी होगा दुबई से। ख्वाबों के सौदागर ने MQM के खात्मे की पेशगोई कर दी। कहते हैं MQM का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, मुत्तहिदा खत्म होकर एक नई जमात बनेगी जिसका सरबरा दुबई से होगा। सूबाई वजीर कहते हैं नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से टकराएंगे, नवंबर अहम है। नैब ने शरीफ खानदान के गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज के असासे मुंजमद करने का हुक्म। दोनों मुलजिमान 10 नवंबर तक अदालत में पेश न हुए तो जायदाद जब्त करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ की तीनों रेफरेंसेस यकजा करके ज्वाइंट ट्रायल चलाने की दरख्वास्त का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नवाज शरीफ के वकील आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करें, फर्द जुर्म की कॉपियां पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ का नाम ECL में न डालना दोहरा मायार है, एतजाज एहसन बरस पड़े, कहा कि नैब सिंध और पंजाब में अलग अलग तरीके से काम कर रही है। कोई इम्तियाज नहीं होगा सिंध के लोगों के जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं और पंजाब की क्यादत पे जिनके काबिले जमानत वारंट वो अदालत जारी करती है जो जमानत लेने का इख्तियार ही नहीं रखती। पाकिस्तान के फैसले मुल्क में नहीं हो रहे, लगता है कि हुक्मरानों को पाकिस्तान की सियासत पर यकीन नहीं। बाबर आवान का लंदन इजलास पर तंज, कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालिबा भी कर दिया। जिसकी सियासत रियासत मईशत और मुस्तकबिल के फैसले मुल्क से बाहर बैठ के हो रहे हों। तांगा पार्टी के सियासतदान चोर दरवाजे से इख्तदार में आना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं हुकूमत और फौज में गलत फहमियां पैदा हों। वजीर दाखला का कराची में खिताब, कहते हैं मुल्क में मजीद तजुर्बात की नुमाइश नहीं, आम इंतखाबात अगस्त 2018 में ही होंगे। पार्लिमानी रहनुमाओं का कौमी असम्बली की नशस्तें 272 रखने पर इत्तेफाक। अयाज सादिक कहते हैं आम इंतखाबात का वक्त पर इनेकाद अव्वलीन तरजीह है, नई हल्का बंदियों में 9 नशस्तें कम होंगी। KPK में कौमी असम्बली की 5 जनरल और 1 मखसूस नशस्त, बलोचिस्तान में 3 सीटों का इजाफा किया जाएगा। डॉन लीक्स रिपोर्ट का हुसूल कानूनी हक है, कॉपी फराहम की जाए। न्यूज लीक्स केस में बरतरफ साबिक प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राव तहसीन की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल हो गए। हुकूमत की रिपोर्ट पब्लिक करने की मुखालफत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। आर्मी चीफ से ईरानी सफीर मेहदी हुनर दोस्त की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, पाक ईरान सरहद मैनेजमेंट, दिफाई उमूर पर बातचीत की गई। ईरानी सफीर का बेहतर ताल्लुकात के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। कराची पुलिस का गुलिस्तान जौहर में खातून पर तेज धार आले से वार करने वाले मुबैना हमलावर को गिरफ्तार करने का दावा। मुलजिम के कब्जे से तेज धार आला भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गुज़िश्ता माह गुलिस्तान जौहर में अफशीन नामी खातून को निशाना बनाया था। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 29वें रोज भी तदरीसी अमल मुअत्तल, शटल सर्विस पर तलबा का कब्जा बरकरार। एडमिन ब्लॉक समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पर ताले लगा दिए, मुतालिबात पूरे होने तक बॉयकॉट जारी रखने का ऐलान। तलबा को तालीमी साल के ज़ाया होने का खदशा। यूनिवर्सिटी को ओपन कर ले ताकि स्टूडेंट्स पीसफुल माहौल में अपने क्लासेस ले। और जो स्टूडेंट एक्सपेल हुए हैं तो उनसे उनका तो कोई फायदा नहीं, वो 28 दिन से यहाँ पर स्टैक में बैठे हैं। पोलियो के कतरे पिलाने क्यों आए, हैदराबाद में शहरी का पोलियो टीम पर धावा। खातून वर्कर को थप्पड़ मारे, साथी पर लोहे की रॉड से हमला किया। पुलिस ने मुलजिम समेत 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, वाकये का मुकदमा दर्ज। अलीपुर में जहरीली लस्सी पीने से 14 अफराद की मौत का मामला, गिरफ्तार किए गए 3 मुलजिमान अदालत में पेश। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आसमान पर छाई गर्दो गुबार की चादर से शहरी अजियत का शिकार होने लगे। धुंध के साथ धुएं ने मिलकर आंखों में जलन, गले में दर्द और दमे के मरीजों की मुश्किलात बढ़ा दी। पेशेंट्स हैं वो आहिस्ता सा ज्यादा हो रहे हैं। सुबह जो स्पेल जा रहा है वो ड्राई का ही जा रहा है, तो इसलिए अभी अगले एक हफ्ते में तो कोई खास इम्कान नहीं है बारिश का। आयशा गुलालई करप्शन केस में वाहिद गवाह नूर जमान के कत्ल के बावजूद तहकीकात जारी रहेंगी। आयशा गुलालई को पेश होना पड़ेगा, एहतसाब कमीशन का फैसला। नूर जमान ने एहतसाब कमीशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इख्तदार के ऐवानों से आने वाली बड़ी खबर के साथ। मुस्लिम लीग माइनस नवाज शरीफ के फार्मूले के सामने डट गई है। साबिक वज़ीर आज़म ने माइनस वन के फार्मूले को अवाम के कोर्ट में डाल दिया है। उनका कहना है कि माइनस प्लस का फैसला फर्द वाहिद नहीं बल्कि अवाम करेंगे। दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि मरियम नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाना शुरू कर दी है। उन्होंने ट्विटर पर #MinusNawazRejected मुतारिफ करा दिया है और पैगाम ये दिया है कि तुम्हारा फैसला जो भी हो, मुस्लिम लीग का फैसला माइनस नवाज रिजेक्टेड है। नून लीग माइनस नवाज शहर इख्तदार में सरगोशियों में इजाफा हुआ तो नून लीग खुलकर सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने नून लीग में माइनस वन फार्मूले को अवाम के कोर्ट में डाल दिया और कहा माइनस या प्लस का फैसला कोई फर्द वाहिद नहीं अवाम करते हैं। ये माइनस और प्लस जो है ना, ये अवाम के फैसले होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल के फैसले नहीं होते या किसी और के फैसले नहीं होते। ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम मरियम नवाज ने तो पहले ही ट्विटर पर #MinusNawazRejected मुतारिफ करवाया और लिखा कि तुम्हारा फैसला जो भी हो, मुस्लिम लीग का फैसला माइनस नवाज रिजेक्टेड है। वाज़ह रहे कि लंदन में होने वाली मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ ने भी यही कहा था कि नवाज शरीफ पार्टी लीडर है और उनकी मुशावरत से ही फैसले होंगे। और हमारे सदर मुस्लिम लीग नून के तो उनके साथ जाहिर है कि उन्हीं की मुशावरत और उन्हीं के साथ पार्टी हुआ, लेकिन बात वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की नहीं, अब तो तमाम लीगी रहनुमा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ही पार्टी लीडर है। ये तो है हुकूमती मौकिफ। उधर ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि नवाज शरीफ से अगर कोई एनआरओ हुआ तो उन्हें 10 साल के लिए मुल्क से बाहर चुप होकर बैठना पड़ेगा। जो लोग नवाज शरीफ को खामोश रहकर जेल जाने के मशवरे दे रहे हैं वो उनके दोस्त नहीं हैं। पुरानी बातें भूलें, अब भी वक्त है पार्लियामेंटेरियन कमीशन बना दें। ये बातें उन्होंने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगु के दौरान कही। लड़ाई से, कलम गलोश से कोई सियासत नहीं होती। पहले मैं उनसे कहता था कि आप जो सियासत करें वो पार्लियामेंट की सियासत करें, अदालत से टकराव न करें। अदालत से टकराव से नुकसान सबसे बड़ा ज्यादा हुकूमत को होगा। बात आज उनको समझ में आ गई है, देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, पर देर के बाद भी उनको बात समझ में आई है। हो सकता है कोई आगे इस सिस्टम के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान की जो सर्वाइवल है या पाकिस्तान की जो बका है या पाकिस्तान की मौशियत की बेहतरी है वो डेमोक्रेसी पर मिलते हैं। NRO है या नहीं है मुझे पता नहीं है इस चीज़ का, मगर ये NRO भी ऐसा ही होगा फिर जैसे आप 10 साल के लिए पाकिस्तान से चले जाएं और सियासत न करें। अगर तो मियाँ साहब जेल में चले गए तो फिर NRO का तो कोई मसला ही खत्म हो गया ना। कोई वफावत नहीं है, फिर कोई NRO नहीं है, फिर तो लड़ाई शुरू हो गई ना। इस मुल्क का हाल टेक्नोक्रेट नहीं है, इस मुल्क का हाल सिर्फ जमहूरियत में है। टेक्नोक्रेट के तजुर्बे आप 40 साल तो कर चुके हैं, उसके बाद टेक्नोक्रेट मुईन कुरैशी को भी लिया है, क्या किया? उसके बाद टेक्नोक्रेट शौकत अजीज को भी लिया है, क्या किया? क्या किया टेक्नोक्रेट ने? सवाई तबाही के। अगर कोई ला रहा है तो उसको इस बात को देखना चाहिए कि ये उनके बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ NRO लेना चाहते हैं, उन्हें कौम के नुकसान का कोई ख्याल नहीं। अपने ट्विटर पैगाम में इमरान खान ने वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया
और कहा कि नवाज शरीफ अपनी गैर कानूनी तरीके से बनाई गई जायदाद बचा रहे हैं, उन्हें कौम के नुकसान का कोई एहसास नहीं, वो मनी लॉन्ड्रिंग में सजा से बचने के लिए NRO लेना चाहते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि शाहिद काकान अब्बासी पाकिस्तान को गिरा कर बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं, वो नवाज शरीफ की जी हुजूरी कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है कि तांगा पार्टी के सियासतदान चोर दरवाजे से इख्तदार में आना चाहते हैं, वर्दी उतारने के बाद सियासतदान बनने वाले मुल्की मफाद के साथ खेलते हैं, अवाम से जब भी जमहूरियत का हक छीना गया तो मुल्की जुग्राफिया तब्दील हो गया, मुल्क में मजीद तजुर्बात की कोई गुंजाइश नहीं, मिसाखे जमहूरियत को आगे बढ़ाना और तमाम जमहूरी कुव्वतों को एक नेशनल डायलॉग करना चाहिए। गैर आइनी इकदाम की उम्मीद और आस लगा के बैठे हैं, ये नाकाम होंगे। तो एक टांगे की जमात है, उनकी पार्टी का शायद सेक्रेटरी जनरल भी कोई नहीं जानता कि कौन है, ये उम्मीद खो बैठे हैं कि इलेक्शन के जरिए हम इकतदार में आए। ये लोग वर्दी उतारने के बाद सियासतदान बन जाते हैं और एक कोशिश करते हैं कि हुकूमत और अफवाज के दरमियान बातें दमाती पैदा की जाए। 2018 में 4 जून को पार्लियामेंट अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी, इंशाल्लाह अगस्त के पहले हफ्ते में इंतखाबात अपनी मुद्दत और अपने टाइम के ऊपर होंगे। और आज की एक और अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के असासे मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। दोनों मुलजिमान अगर 10 नवंबर को अदालत में पेश नहीं होते तो जायदाद जब्त करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन और हुसैन नवाज की मुश्किलात में इजाफा, एहतसाब अदालत ने दोनों के पाकिस्तान में मौजूद असासे मुंजमद करने की हिदायत कर दी। नैब हुकाम ने हसन और हुसैन नवाज के असासों की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। जज मोहम्मद बशीर को आगाह किया गया कि हसन और हुसैन नवाज के 6 कंपनीज में शेयर्स हैं, जिस पर अदालत ने SECB को दोनों भाइयों के असासे मुंजमद करने की हिदायत जारी की। बाद अदा केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालती हुकुम के मुताबिक हसन और हुसैन नवाज अगर 10 नवंबर तक अदालत में पेश ना हुए तो जायदाद जब्त करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं कि नवाज शरीफ आउट हो चुके हैं, उनकी मिसाल ऐसी ही है कि एक खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन भेज दिया जाए और वो कहे कि मुझे क्यों आउट दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने फ्रंट फुट पर आकर खेला, मैं नून लीग में होता तो कहता कि मरियम ने पार्टी को कोने से निकाला। हम नहीं चाहते कोई आतापाई हो मियां नवाज शरीफ के साथ, हम नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ जरूरी जेल में जाए, लेकिन इम्तियाज नहीं होना चाहिए सिंध और पंजाब में और एक जमात और दूसरी जमात में। मरियम ने खेल फ्रंट फुट पर खेला। मैं मुस्लिम लीग नवाज का बंदा होता तो मैं यही कह रहा होता कि मरियम ने पार्टी को लीड किया है और कॉर्नर से निकाला है। और नाज़िम तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत पर यकीन नहीं है। उनका यह भी कहना था कि मुल्की बहरान का वाहिद हल सिर्फ इंतखाबात हैं। क्यों आले शरीफ से आम मुजरिमों जैसा सलूक नहीं किया जाता? जो कानूनी और पार्लिमानी निजाम है उनको नाकाम बनाने के लिए बैरूने मुल्क बैठ के क्यों गुफ्तगुएं की जाती हैं? अदालतें खुली हैं, आए मुकाबला करें, अदालतें खुली हैं, आए पेश हो जाएं। जब आप ये कहेंगे कि कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये सारी जुडिशरी खत्म हो गई, इसका मतलब ये अदालतों पे तालों में अलफियां पड़ गई, और जब आप ये कहेंगे कि अगर मैं नहीं हूँ तो फिर निज़ाम नहीं चल सकता, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई ना इत्तफाकी की फाउंड्री है, इस फाउंड्री का हेड उसको चला सकता है, दूसरा नहीं चला सकता। इन हालात में से निकलने के लिए फौरी तौर पर, और ये जो अफवाहों की फैक्ट्रियाँ हैं जिन इदारों में और जिन मुल्कों में, फौरी इंतखाबात हों, वो इबाम से और वो बुरान से निकल जाते हैं। पाकिस्तान में भी इबाम और बुरान का वाहिद हल यही बाकी रह गया।
और अब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आज के साथ रहिएगा। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताते हैं कि कराची की बदलती सियासत ने बल्दिया उस्मा के इजलास में भी हंगामा बरपा कर दिया। ऐवान में डिप्टी मेयर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद तो ना आई, लेकिन मेयर कराची वसीम अख्तर के खिलाफ नारे जरूर लगे। बिल्कुल, वसीम अख्तर ने अपोजिशन को सियासत सीखने का मशवरा दिया तो अपोजिशन ने मेयर की तब्दीली का मुतालिबा कर दिया। एजेंडा पूरा होने दे, मेंबरान नारे, शोर शराबा और ना मंजूर की सदाएं। बल्दिया उज़्मा कराची का इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई की नजर हो गया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने शोर शराबे में ही महकमा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का फंड बढ़ाने की करारदाद पेश की, जिसे अराकीन ने मंजूर कर लिया। करारदाद हाथ उठा ले जिस करारदाद। वसीम अख्तर ने सिर्फ 5 मिनट बाद ही इजलास मुलतवी होने का ऐलान किया तो अपोजिशन अराकीन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और मेयर के खिलाफ नारे लगाए। इससे कबल एमकेएम बिल्डिंग के अतराफ नामालूम अफराद एक्शन में आए और मेयर कराची वसीम अख्तर के खिलाफ बैनर्स आवेजा कर दिए, जिन्हें इजलास के बाद उतार लिया गया। अब आपको खबर दें कि न्यू कराची में ईस्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई की और गुलिस्तान जौहर में गुज़श्ता महीने अफशीन खातून पर तेज़ धार आले से हमला करने वाले मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से तेज़ धार आला बरामद करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। कराची में खवातीन पर हमला करने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। गुलिस्तान जौहर का मुबैना छुरी मार सुहेल न्यू कराची से पकड़ा गया। ईस्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गुज़श्ता माह अफशीन नामी खातून को तेज धार आले से हमला करके जख्मी कर दिया था। सुहेल को खुफिया अतला पर न्यू कराची से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुलजिम के कब्जे से आला वारदात भी बरामद कर लिया गया है। अफशीन पर हमले का मुकदमा गुज़श्ता माह गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज किया गया था, जबकि गिरफ्तार मुलजिम से दीगर खवातीन पर भी हमलों से मुतालिक तफ्तीश की जा रही है। फैजान जलीस, आज।